युग युगांतर से जीवित और जागृत ये कहानी है रामायण की। भिक्षाम देही 2023 की मोस्ट अवेटेड फिल्म में से एक आदि पुरुष का अभी हाल ही में ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और ट्रेलर को देखने के बाद फैंस अब फूले नहीं समा रहे हैं। ये वही फिल्म है जिस फिल्म का आज से कुछ महीने पहले वीएफएक्स के मामले में काफी ज्यादा मजाक बनाया गया, लेकिन ओम रावत जो इस फिल्म के निर्देशक हैं उन्होंने फिल्म के वीएफएक्स में काफी बारीकी से काम किया और एक बार फिर से आदि पुरुष के ट्रेलर को दुनिया के सामने रखा है। आदि पुरुष के ट्रेलर को रिलीज हुए बहुत ही कम समय में मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं। आदि पुरुष के ट्रेलर को इस समय काफी पसंद किया जा रहा है और ऐसे में कैस लगाए जा रहे हैं कि 700 करोड़ में बनी यह बिग बजट वाली फिल्म रिलीज होते ही तहलका मचा देगी। ट्रेलर की तरफ जाने तो फिल्म के मेन कैरेक्टर हैं प्रभास और कृति सेन, उन दोनों की केमिस्ट्री ट्रेलर में दिल जीतने का काम भी कर रही है। राम के किरदार में प्रभास छा गए तो वहीं दूसरी ओर सीता माता बनकर कृति का सौम्य रूप भी हर किसी को भा रहा है। शुरुआत की बात करें तो ट्रेलर की शुरुआत में मंगल भवन अमंगल हारी दोहे से हो रही है। सबसे पहले हनुमान देवदत्त नागे को दिखाया गया है जो बता रहे हैं कि यह कहानी उनके प्रभु श्री राम की है। 3 मिनट 19 सेकंड के इस ट्रेलर में प्रभास, कृति सेन और सैफ अली खान अपने अपने किरदार में नजर आ रहे हैं। ट्रेलर में राम के वनवास जाने से लेकर लंका दहन और उस पर वानर सेना की चढ़ाई भी दिखाई गई। ट्रेलर में बैकग्राउंड में बज रहा जय श्री राम फैंस को काफी पसंद आ रहा है और ओवरऑल आदि पुरुष का यह ट्रेलर बेहद दमदार है। लॉन्च होने के 5 मिनट के भीतर ही ट्रेलर को लाखों व्यूज मिल गए हैं और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि 700 करोड़ में बनी यह फिल्म रिलीज होते ही तहलका मचा देगी। ये वही फिल्म है जिसका आज कुछ महीने पहले जब टीजर वीडियो रिलीज किया गया था तो फिल्म के वीएफएक्स को देखने के बाद बहुत ज्यादा मजाक बनाया गया और मीडिया सोशल मीडिया पर इस फिल्म को काफी ज्यादा ट्रोल भी किया गया। लेकिन फिल्म के अब ट्रेलर को देखने के बाद अब फैंस फूले नहीं समा रहे और सोशल मीडिया यूजर्स अब इस फिल्म की जमकर तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। ट्विटर रिएक्शन की अगर बात करें तो ट्विटर पर भी भारी रिएक्शन इस फिल्म के प्रति हमें देखने को मिल रहा है और कई सारे ट्विटर यूजर्स अब इस फिल्म के गुणगान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि 700 करोड़ में ये बनी फिल्म महज कुछ ही दिनों के भीतर 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर लेगी और ये 2023 की सबसे ज्यादा बड़ी फिल्म बनकर उभरेगी। कुछ महीने पहले रिलीज हुए टीजर वीडियो पर इतना ज्यादा विवाद हुआ जिसको लेकर इस फिल्म के मेकर्स काफी ज्यादा हैरान व परेशान हो गए थे और सारी की सारी जिम्मेदारी ओम रावत पर आ गई थी। ओम रावत इस फिल्म के निर्देशक है और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी तरीके से निभाया भी है। मौजूदा समय में मेकर्स उम्मीद जता रहे हैं कि आदि पुरुष के ट्रेलर को लेकर कोई नया विवाद न शुरू हो जाए। ट्रेलर से पहले आदि पुरुष में भगवान राम, माता सीता और हनुमान जी के पोस्टर रिलीज किए गए थे। इस पोस्टर को लेकर भी काफी विवाद खड़ा हुआ था। हालांकि फिल्म का ट्रेलर काफी जबरदस्त दिख रहा है। बताना चाहेंगे कि ओम रावत की फिल्म आदि पुरुष को पहले टीजर में वीएफएक्स और सीजीआई के लिए फैंस द्वारा काफी ट्रोल भी किया गया था और बाद में मेकर्स ने अनाउंस किया कि वो फिल्म के सीन पर काम कर रहे थे, इसलिए ट्रेलर और फिल्म की रिलीज डेट में देरी हुई है और अब ये फिल्म 16 जून 2023 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है।